दुनिया की प्रत्येक वस्तु मापी जा सकती है। समुद्र की गहराई और आसमान की ऊंचाई भी मापी जा सकती है, परंतु भक्ति, आस्था व प्रेम के लिए आज तक कोई पैमाना नहीं बना जो इसे माप सके। हिंदू धर्म में ईश्वर की उपासना मुख्य तौर पर मूर्ति पूजा द्वारा की जाती है। जिस तरह भक्ति और आस्था का कोई पैमाना नहीं है, उसी तरह देवी देवताओं की मूर्तियों का भी कोई पैमाना नहीं है। नवरात्रि हो या गणेश उत्सव, अपनी अपनी आस्था अनुसार भक्तगण बड़ी से बड़ी विशाल प्रतिमाएं बनाते हैं और पूजन करते हैं। पिछले वीडियोस में हम आपको भगवान गणेश, भगवान विष्णु तथा भगवान शिव की विशाल प्रतिमाओं का दर्शन करवा चुके हैं, जो भारत में नहीं बल्कि विदेशों में है। इसी कड़ी में आज हम आपको माँ दुर्गा की विशाल प्रतिमा का दर्शन करवाने जा रहे हैं, जिसके बारे में जानकर आप निश्चित ही चौंक जाएंगे और गर्व महसूस करेंगे। तो मित्रों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय माँ दुर्गे अवश्य लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द साइंटिफिक हिंदू पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्क्रीन पर दिख रही माँ दुर्गा की मूर्ति दुनिया की सबसे विशाल और ऊंची मूर्ति है, परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि यह प्रतिमा भारत में नहीं बल्कि भारत से बाहर दूसरे देश में है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं उस देश और इस प्रतिमा के बारे में। वैसे तो माँ दुर्गा के अनेक रूप हैं, परंतु मुख्य तौर पर माँ दुर्गा को 9 रूपों में पूजा जाता है। नवरात्रि के दिनों गरबा पंडालों में एक से बढ़कर एक विशाल प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। यह प्रतिमाएं लकड़ी, बांस, कागज आदि का प्रयोग करके बनाई जाती हैं और उत्सव समाप्त होने के बाद इनका विसर्जन कर दिया जाता है। परंतु माँ दुर्गा की यह स्थायी प्रतिमा, जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अनेक देशों से आने वाले सैलानियों को सहज ही आकर्षित करती है। दोस्तों, अफ्रीका के तट पर एक छोटा सा द्वीप है मॉरिशस। मॉरिशस की खास बात यह है कि यहाँ हिंदू बहुसंख्यक है। इस छोटे से देश में करीब 6,70,000 से ज्यादा हिंदू रहते हैं। मॉरिशस वैसे तो एक छोटा सा देश है, परंतु यह बेहद खूबसूरत देश है। यहाँ बहुत से हिंदू मंदिर भी हैं, परंतु यहाँ का गंगा तालाब बहुत प्रसिद्ध है और इसी गंगा तालाब के किनारे वर्ष 2017 में माँ दुर्गा की विशाल प्रतिमा का निर्माण किया गया था। गंगा तालाब की भी एक बेहद दिलचस्प कहानी है। कहते हैं कि एक पुजारी ने सपना देखा कि मॉरिशस में एक झील है जो भारत में स्थित पवित्र गंगा नदी से जुड़ी हुई है। अगले दिन वह पुजारी कुछ लोगों के साथ उस झील की खोज में निकला। गंगा की कृपा से उन्हें यह झील मिल गई। इस खोज के बाद मॉरिशस के हिंदुओं को इस झील के रूप में माँ गंगा का सानिध्य प्राप्त हो गया और तभी से यह झील एक पवित्र झील बन गई, जिसे गंगा तालाब कहा जाता है। मॉरिशस आने वाले हिंदू श्रद्धालु गंगा तालाब में डुबकी जरूर लगाते हैं। प्राचीन मान्यता है कि जहाँ गंगा जी होंगी वहाँ भगवान शिव आवश्यक तौर पर होंगे, इसलिए यहाँ एक शिव मंदिर भी बनाया गया। साथ ही 2015 में भगवान शिव की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया गया और इसके बाद माँ दुर्गा की 108 फीट यानी 33 मीटर ऊंची प्रतिमा का निर्माण शुरू हुआ। इस प्रतिमा में खर्च हुआ धन पूरी तरीके से दान से आया। इसमें किसी भी तरीके का सरकारी धन प्रयोग नहीं किया गया। मूर्ति बनाने की इस परियोजना में अति सूक्ष्म डिजाइनिंग की आवश्यकता थी और इसीलिए भारत और मॉरिशस के इंजीनियरों व मजदूरों ने मिलकर हिंदू शास्त्रों के अनुसार इसे बनाया। माँ दुर्गा की इस मूर्ति के लिए 2000 घन मीटर कंक्रीट और 400 टन लोहे का इस्तेमाल किया गया। माँ दुर्गा की यह मूर्ति भगवान शिव की प्रतिमा के पास ही है। भगवान शिव की यह प्रतिमा मंगल महादेव नाम से जानी जाती है और यह स्थल अब लैंडमार्क बन चुका है। परिणाम स्वरूप यह स्थल मॉरिशस के पर्यटन का मुख्य आकर्षण भी है। लगभग 14 लाख की आबादी के साथ मॉरिशस में 50% से अधिक आबादी हिंदू धर्म का पालन करती है। नेपाल और भारत के बाद मॉरिशस ही हिंदुओं का सबसे बड़ा देश है, जहां हिंदू बहुसंख्यक है।
सभी त्योहारों व विशेष अवसरों पर गंगा तालाब पर दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। विशेषकर महाशिवरात्रि और नवरात्रि पर यहाँ काफी जगमगाहट रहती है। इन दिनों पूरा देश बड़े बड़े झांकी यात्राओं और जयकारों से चहक उठता है। यहाँ पर भोजपुरी, तमिल, हिंदी, मराठी, तेलुगु और उड़िया भाषाएं प्रमुख रूप से बोली जाती हैं। परंतु मुख्य रूप से यहाँ क्रियोल एक व्यापक रूप से बोली जाने वाली राष्ट्रीय भाषा है। मॉरिशस को छोटा भारत भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस देश के लोगों का पहनावा पूर्णतः भारतीय ही है। तो दोस्तों, आज हमने आपको दिखाया विश्व की सबसे ऊंची माँ दुर्गा की मूर्ति। ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही मॉरिशस के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो वह भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।